अनुभवी फिल्म निर्माता महेश भट्ट, जो सारांश, नाम और जख्म जैसे फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं, वो अब द डार्क साइड ऑफ लाइफ मुंबई सिटी से एक अभिनेता के रूप में अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। महेश भट्ट ने सोमवार को अपने को स्टार्स फिल्म निर्माता और निर्देशक के साथ मिलकर फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया। इस फिल्म से जुड़े अभिनय के अपने अनुभव को साझा करते हुए महेश भट्ट का कहना था, ये काम बड़ा मुश्किल काम है। लाइन याद करनी पड़ती, मार्क पे आना पड़ता है, कैमरा के पीछे से दादागिरी करना अलग बात है, कैमरा के सामने खड़ा होकर मुस्कुराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अलग ईडियम है और मैं बिल्कुल, ये कोई फेक ह्यूमिलिटी नहीं है। आई हैव नेवर डिल्यूटेड माई सेल्फ के आई एम एन एक्टर The Dark Side of Life Mumbai City का ट्रेलर महेश भट्ट की फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो के समान ही लग रहा है, जो मुंबई शहर में मानव जीवन के संघर्ष को दर्शाता है। दो फिल्मों की समानताओं के बारे में पूछे जाने पर भट्ट का कहना था, मेरे ख्याल में इस कमरे में जितने लोग यहाँ पर मौजूद है वो सबने स्ट्रगल किया है। तकलीफ दर्द जो है किसी को नहीं बख्शती, सबको अपने अपने हिस्से का दर्द झेलना होता है। पर यहाँ जो भी जहाँ बैठा है उसने अपनी एक जगह बनाई है, वो स्ट्रगल करके ही पहुंचा। तो ऐसे कोई पत नहीं लगे मेरे में कि मैंने कुछ कमाल कर दिया जो बाकियों ने नहीं किया। हाँ, आई फील दैट कि आपने जो कंपैरिजन किया है कि शायद द मीडियम ऑफ अनुराग बासु मेट्रो वाज क्लोजर टू दिस मीडियम, बट ये बिल्कुल अलग किस्म का एक नैरेटिव है। फिल्म हमारे समाज में अकेलेपन, सांप्रदायिक सद्भाव और मानसिक स्वास्थ्य जैसे कई संवेदनशील मुद्दों को संबोधित करती है। आनेस्ट रिपोर्ट।